सर कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, क्या बात है। अरे यार आप तो मेरे बिल्कुल ही पड़ोसी निकले। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह बता देता हूँ कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जम्मू को एक्सप्लोर करने निकला हूँ, और इस सीरीज का नाम है जम्मू एक्सपेडिशन। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ पर बाइक रेडी है, और ये वो बाइक है, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा था तो इस राइड के लिए स्पेशल। आ जाओ भाई साहब। इन भाई साहब ने स्पेशल ये बाइक परचेज करी है जबकि इनके पास 10 बाइक ऑलरेडी है। ये सारी चीजें मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ तो इसमें बताने का फायदा नहीं है। राहुल भाई, सबसे पहले तो ये बताओ हमारा आज का क्या प्लान है और हम क्या करने वाले हैं? हमारा आज का प्लान ये है कि हम आज जम्मू से राइड शुरू करने वाले हैं। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मैं भी आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो एक सस्पेंस है। वो आपको अंकित भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पत्ते खोलते जाएंगे अपने। अभी पता क्या है, हमारा एक्चुअली प्लान क्या था, कुछ और प्लान था हमारा आज का दिन करने का, बट मुझे आज एक्चुअली किसी से मिलना था। किन से मिलना था वो एक्चुअली हमें उसी लोकेशन पे मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, बाइक पे बैठते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, सुबह 10 बजे 10:30 बजे निकलने का प्लान था लेकिन अभी 1:30 बज चुका है। और मैंने जैसे बताया ना, हमारा जो मेन फर्स्ट प्लान था ना वो सारा चेंज हो गया है सुबह सुबह। तो आज हमारा प्लान है यहाँ से जाने का पटनी टॉप, और पटनी टॉप से हम जाएंगे सनासर। सनासर क्या है? सनासर भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। मैं 2017 में आ चुका हूँ, राहुल भाई के साथ ही आया था। तो ये जो हाईवे वाला रूट है ना ये मैं कवर नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को अब जम्मू की खूबसूरती दिखानी है, ये हाईवे अभी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाना। तो जब अच्छा लोकेशन आना शुरू हो जाएगा ना, शायद चेनानी नाशरी के बाद शुरू होगा, तो वहाँ से कैमरा ऑन करूँगा और आपको खूबसूरत वादियाँ दिखाऊँगा। भूख बहुत लगी है, सबसे पहले लंच किया जाए। हम अभी कहाँ पहुँच गए? उधमपुर पहुँच गए हम। उधमपुर पहुँचे ना। सो अभी ऐसा सीन है कि हम लोग पहुँच चुके हैं उधमपुर और एक कैफ़े में बैठे हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक लोकल डिश, मुझे बताया है ये कोई लोकल डिश है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, एक बार पूछ लेता हूँ। राहुल भाई क्या नाम है इसका? क्या कलाड़ी है, ब्रेड के नीचे दिखेगी, ऊपर तो ब्रेड ही है। ये कलाड़ी है, ये यहाँ का लोकल है ये वाला। इट्स काइंड ऑफ फर्मेंटेड चीज, जैसे आपका मोजरेला होता है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ का लोकल फर्मेंटेड चीज है। अच्छा, और आपको इसी रीजन में मिलेगा। और कहीं नहीं मिलता ये तो बहुत सही है। पहाड़ी एरिया था, वहीं पे होता है। आपने खा लिया ये वाला? मैं तो छोड़ता ही नहीं, ये छोड़ते नहीं। साथ में एक और चीज मंगाई है, ये क्या मंगाया हमने? अरे वाह देखना गजब। तो ये जिनका कैफे है, क्या नाम है आपका? तो यार मिलकर अच्छा लगा, खाना तो मैंने कॉफी टेस्ट करी है, मजा आ गया और भी आ गया। तो इसको बस फिनिश करते हैं यहाँ पर और अपनी राइड दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में बहुत सही टेस्ट है, बहुत सही। तो चलो अब यहाँ से चला जाए, अपना अच्छा खासा पेट भर के लंच हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 3:40, मतलब 4:45 हो चुके हैं अभी। ओके, कोई हड़बड़ नहीं है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर मेरे ख्याल से बहुत रहता नहीं है। अभी हम उधमपुर में एक्चुअली, और आज का जैसे मैंने बताया कि हम जा रहे हैं सनासर, वहाँ पर एक्चुअली एक लेक है सनासर लेक। मैं जब पहले गया था ना मुझे इतना याद है वो बीच में एक लेक है और चारों तरफ मीडोज़ हैं। तो पिछली बार मैं बस ऐसे ही फ़ोटोज़ ऐसे ही क्लिक किया, कुछ एक्सप्लोर तब मैं करता नहीं था, बस एक लोकेशन पे पहुंचा और बस वो देख के निकल गया। लेकिन अब उसको मैं ढंग से देखूंगा क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है वहाँ के बारे में, मैं रास्ता कैसे था क्या था। लेकिन अब वो सारी मेमोरीज़ जो है मैं यादगार बनाऊँगा अपने लिए भी और आपको भी दिखाऊँगा। बिलीव अ स्नेक नॉट अ गर्ल। सो ये बात मैंने नहीं बोली भाई, यहाँ लिखा हुआ है तो मेरे ऊपर बम नहीं फोड़ना है, राहुल भाई ने मुझे दिखाया। चलते चलते कह रहे थे क्या लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे ये चीज़ें लिख देते हैं यार इसके ऊपर। ये पक्का आशिक होगा, ये मार खाया वो आशिक है 101%, इसको बहुत तगड़ा हुआ है, पक्का इसको हुआ है।
सो अभी हमारी पटनी टॉप के लिए चढ़ाई शुरू हो चुकी है और अब हमें ऊपर चढ़ते जाना है। एक्चुअली क्या है, पटनी टॉप जो है जम्मू का एक हिल स्टेशन है और मेरा पर्सनल अगर कोई जम्मू में, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर तो किया नहीं है, अब मेरी स्टार्टिंग हो रही है जम्मू को एक्सप्लोर करने की, लेकिन जितना मैंने ट्रैवल किया ना खाली जम्मू को, पटनी टॉप मेरा फेवरेट हिल स्टेशन है यहाँ पर जम्मू का। वेदर इतना अच्छा होता है, जब भी मैं लद्दाख या फिर कश्मीर जाता हूँ ना इस रूट से, तो ना मैं जम्मू रुकता हूँ ना मैं उधमपुर रुकता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ पटनी टॉप में रुकना। थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ जाता है लेकिन स्टे, वेदर इतना अच्छा होता है ना, इतना अच्छा होता है। और अभी से ही ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू हो चुकी है, अभी से ही, अभी तो बस हमने चढ़ना शुरू किया है। पटनी टॉप यहाँ से होगा कोई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अभी मौसम तो मतलब ऊपर चेंज होगा, ठंडा हो जाएगा मौसम, है ना? नहीं हो, अभी हो गई ना ठंडी, ऊपर तो ठंडा हो जाएगा, ये कट जैसे चढ़े ठंडी हो गई है ना। ये सामने पत्नी टॉप, ये पटनी टॉप आ गया ना, सारा पत्नी टॉप। मैं हाँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ ना तो मैं इसके आगे चला जाता हूँ पटनी टॉप में स्टे करने के लिए, लेकिन एक रास्ता पीछे से अंदर गया जहाँ आपने ब्रेक लगाया, हाँ एक रास्ता इधर से अंदर गया, ठीक है, एक रास्ता आगे से अंदर गया। अभी लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं, हाँ। ये सनासर और नत्थर टॉप के लिए। अमेजिंग वेदर देख रहे हो, पूरा क्लाउड्स कैसा हो गया, ठंड लगनी शुरू हो गई। मैं एक और चीज़ बता दूं, कई लोग कहेंगे कि आपने राइडिंग जैकेट क्यों नहीं पहनी, तो उसका रीज़न गाइस मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली कुछ 3-4 महीने पहले की बात ही है, चार महीने पहले एक्चुअली इनको माइनर हार्ट अटैक आया था और मेजर था तो मतलब ये हॉस्पिटलाइज भी थे। और अभी जैकेट पहनने से क्या होता है, जैकेट पहनने से ह्यूमिडिटी बहुत है तो इनको बहुत घुटन फील होती है। और मेरे ख्याल से 5 महीने बाद आप बाइक चला रहे हो, बीच में एक दिन चलाई थी मैंने तो उसके बाद आज ही राइड, हाँ जी, तो इसीलिए मेरे लिए राइड कर रहे हैं, लेकिन इसलिए इन्होंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने, नहीं तो इनके पास हमेशा राइडिंग गियर्स होते हैं। बट वेरी नाइस, अब आएगा मजा है ना। नहीं नहीं सर, थैंक यू। कौन कहेगा मैं हार्डली आधे घंटे पहले धूप में सड़ रहा था, कौन बोलेगा। इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो, आधे घंटे पहले धूप में सड़ रहे थे, राहुल भाई कह रहे थे मेरे को गर्मी लग रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन अब देखो कह रहे मुझे ठंड लग रही है। नाइस, अरे भाई क्या हाल है भाई साहब, कैसे हो? जस्सी भाई यार जस्सी भाई साइक्लिस्ट, जस्सी भाई बाइकर, जस्सी भाई एडवेंचरर, जस्सी भाई वॉन्डरर, जस्सी भाई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो यार? बनाया मैं कितना जम्मू वाला बनवाना, 5-6 साल हो गए इनको देखे हुए, चेंज है कुछ वैसे ही? नहीं, स्मार्ट हो गए ऊपर पहले से, थोड़े लुक्स और हो गए यार। बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा एकदम से आपको देख के, सरप्राइज मुझे आइडिया नहीं था अब यहाँ मिलोगे। पारुल जी के पास ही जा रहे हैं ना। अच्छा, जैसे भाई मिलता हूँ दोबारा, बाय, ओके पक्का। तो ये हैं, ये जस्सी भाई हैं, ये एक्चुअली भाई साहब ये भी खतरनाक बाइकर हैं और पहले तो करते थे, अब मुझे पता नहीं है, साइकिलिंग करते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो मैं जो आपको इस बार पूरा दिखाऊंगा, अपने लिस्ट बना लेना, मैं आपको रहने खाने पीने की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा इस बार कि आपको कहां रहना है। भाई साहब एक नंबर मजा आ गया, अरे स्वाद क्या, पूरा स्वाद ही स्वाद था ये तो। मैं वही कह रहा हूँ, आधे घंटे पहले गर्मी में सड़ रहे थे हम और आधे घंटे के बाद ठंड में ठुठर रहा हूँ मैं, मेरे को मतलब रुक के मन कर रहा, फटाफट जैकेट खोलूं, अब लग रहा है जैकेट पहनी, जैकेट पहनी शुगर है पता है, ऐसा लग रहा है। इतना मैं निकालूंगा जैकेट और पहनूंगा। इतना अमेजिंग वेदर है ना, इतना अमेजिंग वेदर है। और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है सनासर, वो लगभग यहाँ से है 12 किलोमीटर। और नत्था टॉप के बाद कह रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा मतलब ऐसा फॉगी वॉगी कम हो जाएगा। तो इस पूरी राइड में ना, जितनी भी मेरी पूरी राइड है ये वाली, इसमें मैं आपको सारी लोकेशंस दिखाऊंगा, कहाँ पर रहना है आपको, कहाँ पर खाने पीने की सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो एक पेपर पेन पे सारी चीज़ें नोट कर लेना ताकि आपके लिए भी ईजी रहे कि आपको यहाँ पर स्टे करना है और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं।
ध्यान से पकड़ ही नहीं लाया आपको, पकड़ ही ना ले। प्लास्टिक नहीं दे, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक खेलेगा उसके साथ। ओ वाओ, खेलेगा वो आएगा वापस, लेके वापस आएगा। ये बहुत एनर्जी में है भाई साहब, जब से आया ना तब से एनर्जी में है डॉग। दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। मुझे सच में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे ना इतना प्राउड फील होता है ना कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, सच बता रहा हूँ, इतना प्राउड फील होता है ना। जब आप एक बार रेगुलर अपनी कंट्री ट्रैवल करना शुरू करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी कंट्री कितनी खूबसूरत है, और हर स्टेट पे आपको अलग चीज़ें देखने को मिलती है, हर माउंटेन एरिया में कुछ अलग ना कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, जम्मू के ही लग रहे थे शायद मेरे को, तो अपनी गाड़ी पे आए हुए हैं। वो हो गजब, नत्था टॉप है ये, पहुंच गए हम नत्था टॉप। और वो कहाँ था, वो जो टावर वाला सीन था, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हम यहीं से गए थे जब गए थे, बंद करना बाइक, हम यहीं से गए थे जब पिछली बारी गए थे, आगे जाके फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर अब नहीं जा सकते, पर लेकिन वेदर भी अब ऐसा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते भाई। सो अभी हम आए हैं नत्था टॉप पे, और यहाँ पर सर और मैडम जो है अपनी बाइक के साथ फोटोज। सर कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, क्या बात है। अरे यार आप तो मेरे बिल्कुल ही पड़ोसी निकले। बिल्कुल, फैमिली के साथ आए? पूरा फैमिली, पूरी फैमिली। तो यहाँ का पता कैसे लगा, पहले आए हुए हैं? नहीं, पहले आए हुए हैं, और भी हमारे यार दोस्त आते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पहली बार आपका फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ पहली बार आए हैं। गाड़ी में आए? हाँ गाड़ी में। मजा आ रहा है यहाँ पर? मजा आ रहा है, आपको ही मजा आ रहा है पूरा। आप लोगों को रिकमेंड करते हो यहाँ पर आए? पूरा पूरा रिकमेंड करेंगे यहाँ पर आने के लिए, करेंगे लोगों को और बताएंगे, सिफारिश करेंगे। तो अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी हम पटनी टॉप रह रहे हैं। अच्छा, पटनी टॉप में ही रह रहे हैं। चलो यार बहुत अच्छा, पूरा एंजॉय किए। तो देखो यहाँ पर ऐसे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, पूरी इनकी फैमिली आई हुई है, और वेदर देखो सब फोटोज खिंचा रहे हैं बाइक के साथ। अब मैं आपको वेदर दिखा देता हूँ, और वैसे भी नोएडा से हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ, हार्डली 15-20 मिनट आधे घंटे का भी फर्क नहीं है। लेकिन ऊपर ये देखो वेदर, देखो कितना अमेजिंग, कितना खूबसूरत वेदर हो चुका है नत्था टॉप का, और अमेजिंग, वेरी नाइस। सो अभी हम चल दिए नत्था टॉप से, और यहाँ पर ना काफ़ी ये क्या बोलते हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं, और ये सारे बकरवाल के घर होते हैं, जो बकरियाँ भैंस गाय चराते हैं ना, तो इन्हीं के घर हैं यहाँ पर इस अमेजिंग से वेदर पे। शेट मैन, बारिश शुरू हो चुकी है, और मेरे को गोप्रो हटाना पड़ेगा, बारिश शुरू हो चुकी है यार, गोप्रो अभी स्टार्ट हुई है राइड, मुझे किसी भी एंगल से रिस्क नहीं चाहिए, तो अब मैं गोप्रो हटा रहा हूँ, अगर बारिश रुकेगी तो दिखाऊंगा, नहीं तो यार फिर इतना भी दिखा दिया बहुत है, गोप्रो हटाना पड़ेगा पहले मेरे को। कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, पूरे जान नज़र जा रहा है, मिडोज मिडोज ही मिडोज हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और इतनी प्यारी रोड बीच में से निकल रही है। अब समझ आया, जम्मू कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ बोला जाता है, और लोग यूजुअली कश्मीर को ही हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है, कश्मीर तो हेवन ऑन अर्थ है नो डाउट, लेकिन जम्मू भी एक्चुअली हेवन ऑन अर्थ है, बस ये एक्सप्लोर्ड नहीं है ज़्यादा, एक बार ये भी एक्सप्लोर होगा ना मज़ा आ जाएगा। तो हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है सनासर, हम पहुंच चुके हैं, और अभी मैंने आपको लेक नहीं दिखाई है सनासर की, वो मुझे दिखी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब एक्सप्लोर करेंगे इसको। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं होम स्टे में, और वो होम स्टे किसका है, और वो होम स्टे
उन्हीं के ये है जिनसे मैं यहाँ पर स्पेशल मिलने के लिए आया हूँ। अब एक बार उनके होम स्टे में चलते हैं और फिर मैं आपको उनसे भी अच्छी तरह से मिलवाऊंगा। सो बाइक जो है ना हमने यहीं पर ही पार्क कर दिए हैं और ये वो लोकेशन है जहाँ हम आए हैं, ये है ट्रैवल टेल्स इको स्टे। ये अपनी दीदी का ही होम स्टे है, अभी मिलवाऊंगा दीदी से प्रॉपर अच्छी तरह से। और देख लो किस कितने खूबसूरत वेदर के अंदर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये है बघीरा जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हो गया। सो फाइनली जो हमारी डेस्टिनेशन थी आज की, हम उस समय पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए ना जिनसे मैं स्पेशल मिलने आया हूँ ना, वो है ये है पारुल जी। हेलो। तो एक्चुअली इनसे मैं 5 साल के बाद मिल रहा हूँ। 2017 में मिले थे हम लोग, तब तो राइड हमारा बाइकिंग एक्सपीडिशन हुआ था। हाँ। टूरिज्म का उस पे मिले थे हम लोग, तो उस पे मिले थे। तो यही है दीदी का, ये पूरा अपना पूरा इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है। इनके बारे में ना मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आपको डिटेल्स में प्रॉपर्टी दिखानी है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर इस व्लॉग में ये सारी चीजें रखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना ये सनासर कवर करेंगे क्योंकि दीदी से पूछूंगा यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। तो अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा देर कैमरा ऑफ करूंगा, गप्पे वप्पे मारूंगा दीदी से भी, बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ। हाँ तो अभी अंदर चलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। तो बघीरा अभी भी बाहर शोर मचा रहा है, बट ये लॉबी है, मैं आपको ना कल प्रॉपर से अच्छी तरह से प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। बस आपको एक लुक दे देता हूँ, ये एक रूम है, एक ये रूम है और एक ये रूम भी है इनके पास। तो ये ढंग से ना कल प्रॉपर्टी दिखाऊंगा और प्राइस वाइज भी सब पूछेंगे कल दीदी से। और ये है अपना किचन एरिया। दीदी क्या बना रहे हो हमारे लिए? फिलहाल अभी हम ब्रेड टोस्ट और चाय। ब्रेड टोस्ट और चाय, ठीक है। सो आज का व्लॉग जो है यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइट हार्ड राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।